नमः शिवाय। फिर रस हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर रस से संबंधित अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। अभ्यास कार्य करने से पहले आप एक बार रस, उसकी परिभाषा, उसके अवयव, उसके अंग एवं रस के भेदों को अवश्य पढ़ेंगे। पहला अभ्यास कार्य है रस की पहचान करो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस काव्य पंक्ति में आपको पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा रस है। दूसरा, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। तीसरा, हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। इस काव्य पंक्ति में भी आपको रस पहचान करके लिखना है। चौथा है, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। पांचवा, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। नंबर छः, एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। नंबर सात, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुल कातु। नंबर आठ, नभ ते झपटत बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन लावक हिल्यो नरंच। नंबर नौ, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। नंबर दस, यज्ञ समाप्त हो चुका फिर भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुधिर के छींटे अस्थिखंड की माला। नंबर ग्यारह, निसिदिन बरसत नैन हमारे सदा रहती पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। नंबर बारह, राम को रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परछाही। दूसरा अभ्यास कार्य है उचित विकल्प चुनकर लिखो। पहला है, क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। विकल्प है भक्ति और श्रृंगार रस। आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना है। दूसरा, जशोदा हरि पालने झुलावे। विकल्प है वात्सल्य और भक्ति। तीसरा, अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली। विकल्प है करुण और वीर रस। नंबर चार, कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। विकल्प है रौद्र रस और वीर रस। नंबर पाँच, पिय बिनु नागिनी काली रात। विकल्प है वियोग श्रृंगार और करुण रस। नंबर छः, चंदा मामा आओ ना मुन्ने को सुलाओ ना। विकल्प है वात्सल्य रस और शांत रस। नंबर सात, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुन चलत रेणु तनु मंडित मुख दधि लेप किए। विकल्प है वात्सल्य रस और वीर रस। नंबर आठ, नैना अंतरि आवतु ज्यो हों नयन झपेऊ, ना मैं देखूं और कु ना तुझे देखन देऊ। विकल्प है संयोग श्रृंगार और भक्ति रस। नंबर नौ, सरकंडे से हाथ पांव और मटके जैसो पेट, पिचके पिचके गाल दो मुँह तो इंडिया गेट। विकल्प है हास्य रस और भक्ति रस। नंबर दस, मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। विकल्प है करुण रस और भक्ति रस। इस सभी अभ्यास कार्य को आप अपनी लैंग्वेज कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।